क्या कंप्यूटर में पहले से एंटीवायरस होता है? काफी सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि कंप्यूटर में एंटीवायरस डालना चाहिए या फिर नहीं। तो वहीं पर कुछ लोगों का यह भी मानना होता है कि कंप्यूटर पर ऑलरेडी एंटीवायरस डला हुआ होता है। तो आखिर सच्चाई क्या है? आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या कंप्यूटर में पहले से एंटीवायरस डला होता है या फिर नहीं, और अगर पहले से डला होता है तो अलग से एंटीवायरस डालने की जरूरत क्यों पड़ती है। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि कंप्यूटर में अलग से एंटीवायरस डालना चाहिए या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टीचिंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हम कंप्यूटर सिस्टम की इस्तेमाल करते हैं उसमें डला होता है विंडोज़। अब चाहे विंडोज़ 7 हो, चाहे विंडोज़ 10 हो, चाहे विंडोज़ 11 हो, राइट? तो जो विंडोज़ होता है उसमें हमें मिलता है डिफेंडर फायरवॉल। अब ये क्या करता है? बेसिकली आपके कंप्यूटर पर जो छोटे मोटे वायरसेस होते हैं, छोटे मोटे जो थ्रेड्स आते हैं, छोटे मोटे जो मालवेयर वगैरह आते हैं, उन्हें वो ब्लॉक कर देता है, आपके कंप्यूटर तक इंटर करने नहीं देता, जिसे हम रियल टाइम प्रोटेक्शन के नाम से जानते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही वो सिस्टम है जिसे विंडोज डिफेंडर कहा जाता है, राइट? ये ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर पर इनेबल मिलेगा। आप अभी अपने कंप्यूटर पर चेक कीजिए, आप साइड पर क्लिक कीजिए यहाँ पर, और आप सिक्योरिटी पर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप एंटीवायरस आप सर्च कीजिए अपने कंप्यूटर पर, आपको मिल जाएगा। रियल टाइम प्रोटेक्शन के नाम से हम इसे जानते हैं। बेसिकली करता क्या है, हमारे कंप्यूटर पर जो छोटे मोटे वायरस वगैरह होते हैं, छोटे मोटे जो कोई मालवेयर वगैरह होता है, उसे ये ब्लॉक कर देता है, यानी रोक देता है, ख़त्म नहीं करता, सिर्फ ब्लॉक करता है, और आपको दिखा भी देता है हमने फलाना फलाना वायरस को रोक रखा है, ब्लॉक कर रखा है, राइट? लेकिन हम अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और आपको पता होगा जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आज के टाइम पे इतने प्रकार के वायरसेस बन जा रहे हैं, इतने प्रकार के मालवेयर्स अवेलेबल हैं जो आपके कंप्यूटर को इजीली ख़त्म कर सकता है, डेड कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो आज के टाइम के लेटेस्ट जो वायरसेस आ रहे हैं, जो मालवेयर बन के आ रहे हैं, उसे आपका जो डिफेंडर फायरवॉल है वो बीट नहीं कर सकता, उसे नहीं हरा सकता, इजीली वो आपके कंप्यूटर पर इंटर कर सकता है। मतलब समझिए, जो छोटे मोटे वायरस होता है उसे आपका डिफेंडर फायरवॉल इजीली ब्लॉक कर देता है, लेकिन आज के टाइम के जो लेटेस्ट वर्जन के जो वायरस आ रहे हैं ना, जो लेटेस्ट मालवेयर तैयार हो रहे हैं ना, इसे आपका जो डिफेंडर फायरवॉल है वो मैनेज नहीं कर सकता, आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा ही लेगा। ये जो लेटेस्ट वर्जन के जो मालवेयर तैयार हो रहे हैं, जो वायरस आ रहे हैं, ये आपके कंप्यूटर को इजीली नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए जब हम अलग से एंटीवायरस जब कंप्यूटर पर डालते हैं तो वहाँ पर हमें नेट प्रोटेक्टर मिलता है, यानी वो हमारे इंटरनेट को प्रोटेक्ट करता है, हमारे इंटरनेट से जितनी भी फाइलें आती है उसे वो प्रोटेक्ट करता है, स्कैन करता है कि कौन कौन सी फाइलें आ रही है, कौन कौन सी फाइलें जा रही है। जैसे एक एंटीवायरस होता है जिसका नाम है NPAV, नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस, ठीक है? वो क्या करता है, जब आपके कंप्यूटर पर नेट प्रोटेक्टर डला होगा तो जब आप कोई ऐसे वेबसाइट पर विजिट करेंगे जो अनवांटेड है या फिर सिक्योर नहीं है, तो वहां पर वो उस वेबसाइट को ब्लॉक कर देता है, विजिट ही नहीं होने देता, मतलब आपको रोक देता कि भैया यहाँ पर खतरा है, आप मत जाओ। हालांकि अगर आप जबरदस्ती जाना चाहो तो आपको परमिशन दे देता है, लेकिन स्टार्टिंग में वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है? या फिर जितनी भी ऐसे फर्जी वेबसाइट होते हैं जो आपको रीडायरेक्ट करता है, देखना कई सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जो हमें ऑटोमेटिकली एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देता है, ठीक है? मतलब आप बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट पर अभी हो, ठीक है, लेकिन वो आपको कोई ऐसे थर्ड पार्टी वेबसाइट पर लेकर चला जाता है, तो ऐसे वेबसाइट को भी आपका नेट प्रोटेक्टर ब्लॉक कर देता है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप अपने कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, फाइलें आप डाउनलोड्स करते हो, तो यहाँ पर आपको अलग से एंटीवायरस डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके कंप्यूटर पर जो ऑलरेडी डिफेंडर फायरवॉल मिलता है वो उतना कैपेबल नहीं होता जो आज के वायरस को बीट कर पाए, टक्कर दे पाए, ये मतलब है। अब अगर सीधे शब्दों में कहें कि कंप्यूटर पर एंटीवायरस होता है या फिर नहीं, तो इसका सीधा आंसर यह है, होता है, लेकिन एंटीवायरस ना होकर के वो एक डिफेंडर की तरह काम करता है, छोटी मोटी जो वायरस होते हैं उसे वो बीट करता है, उसे वो ब्लॉक कर देता है बस। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पहले से आपके कंप्यूटर पर डिफेंडर फायरवॉल डला हुआ है, जो एंटीवायरस जिसे आप समझ रहे हैं, वो पूरे आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर पाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं अपने कंप्यूटर को विदाउट एंटीवायरस का भी इस्तेमाल करके देखा हूँ और एंटीवायरस डाल करके भी इस्तेमाल करके देखा हूँ। अगर हम अपने कंप्यूटर पर एंटीवायरस का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सबसे पहला हमारा हार्ड डिस्क खराब हो जाता है, सबसे पहली चीज़ हार्ड डिस्क खराब होता है, साथ ही विंडो भी करप्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम अपने कंप्यूटर पर एंटीवायरस डाल के रखते हैं तो हमारा हार्ड डिस्क बिल्कुल सेफ होता है और विंडो भी करप्ट नहीं होता, क्योंकि विंडो करप्ट कब होता है, जब आपके कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा एक साथ वायरस अटैक कर जाए, वायरस अटैक हो जाए,
या फिर आपके कंप्यूटर पर कोई ऐसा मालवेयर आ जाए, तभी आपका कंप्यूटर डेड होता है या फिर आपका हार्ड डिस्क ब्रेक हो जाता है, खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, या फिर विंडो भी करप्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारे कंप्यूटर पर होता है वो छोटी मोटी अगर आप काम करते हैं, कोई हैवी आप वर्क नहीं करते, इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो ऐसे केस में ठीक है, आपको अलग से एंटीवायरस डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भैया अगर आप अलग अलग पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर पर इंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं, या फिर अलग अलग वेबसाइट पर विजिट करते रहते हैं, फाइलें डाउनलोड्स करते रहते हैं, तो भैया यहाँ पर आपको अलग से एंटीवायरस डालना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका कंप्यूटर सेफ रहेगा। या फिर आपने ये भी देखा होगा, जब हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर अलग से एंटीवायरस जब इंस्टॉल करते हैं, डालते हैं, चाहे कोई से भी कंपनी का, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं, कोई से भी कंपनी का हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पर, तो देखना वहाँ पर हमें अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं, ड्राइव प्रोटेक्शन, एक्सटर्नल कार्ड प्रोटेक्शन, सीपीयू प्रोटेक्शन, विंडोज प्रोटेक्शन, बहुत सारे यहाँ पर हमें प्रोटेक्शन मिल जाते हैं। लेकिन ये सारा फीचर, ये सारा जो फैसिलिटीज़ है, ये आपके कंप्यूटर में जो डिफेंडर मिलता है उसमें नहीं होता, और यही इसका प्लस पॉइंट होता है। जो अलग से हम पैसा दे करके एंटीवायरस डालते हैं ना, उसमें हमें अलग अलग स्पेशलिटी मिल जाती है और हमारे कंप्यूटर काफ़ी हद तक सेफ रहता है, प्रोटेक्टर रहता है। अब अगर हम बात करें कि कंप्यूटर पर एंटीवायरस डालना चाहिए या फिर नहीं, तो इसका भी आंसर सुनो। अगर आप अपने कंप्यूटर पर ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते, फाइलें डाउनलोड नहीं करते, और अलग अलग आप पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, हार्ड डिस्क वगैरह नहीं इंसर्ट करते अपने कंप्यूटर पर, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है अलग से एंटीवायरस डालने का। जो आपके कंप्यूटर पर विंडोज डिफेंडर जो मिलता है एंटीवायरस, राइट, आप बस उसे इनेबल करके रखिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन वहीं अगर आप अलग अलग पेन ड्राइव इंसर्ट करें अपने कंप्यूटर पर, अलग अलग वेबसाइट पर विजिट करें, बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करें, फाइलें डाउनलोड कर रहे हैं, तो भैया यहाँ पर आपको फिर एंटीवायरस अलग से डालना पड़ेगा। मैं कंपनी का प्रचार तो नहीं करूंगा, प्रमोशन नहीं करूंगा, बट हाँ, काफी सारे ऐसे कंपनियां हैं जो अच्छी अच्छी एंटीवायरस बनाती है और कंप्यूटर को अच्छा खासा सेफ भी रखता है। एक कंपनी है जिसे मैं लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, बट हाँ, लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहा हूं, मुझे आज तक उससे कोई शिकायत नहीं हुई है, सस्ता भी मिलता है, सबसे बढ़िया भी एंटीवायरस वही होता है। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर कंप्यूटर पर पहले से एंटीवायरस मिलता है या फिर नहीं, और अगर मिलता है तो उसका क्या यूज़ होता है। साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि कंप्यूटर पर अलग से एंटीवायरस डालना चाहिए या फिर नहीं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी sandeep_patel72 अभी हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, जाकर मुझे फॉलो कर लेना। फिलहाल इस वीडियो के यहीं पर इन्हें करते हैं, फिर मैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।